ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साई दीदार चैनल पर। मैं साई अनु आपका स्वागत करती हूँ। आज छठे संकल्प में छठा संकल्प आइए शुरू करते हैं। आज का संकल्प सोच, रिश्ते और प्यार लेकर आया है। हम बदलेंगे, हमारा कल बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा यार, क्यों चिंता करते हो। सोचने से तो बहुत कुछ होता है, सोचने के साथ साथ करने से भी होता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। आपको पता है हमारे रिश्ते खराब कहाँ होते हैं? हम किसी से मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, फेस पे स्माइल भी रखते हैं, उसको अच्छे अच्छे से मैसेजेस करते हैं, लेकिन जब उसके खिलाफ हमें कोई बोलने आता है तो हम उसकी हाँ में हाँ कर देते हैं। हम ये नहीं कहते नहीं यार, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा यार है, वो मेरे से ऐसा धोखा नहीं करेगा, वो मेरे परिवार का सदस्य है, वो ऐसा नहीं करे। हम क्या कहते हैं? हाँ यार, हो सकता है उसने ऐसा किया हो। हम विश्वास नहीं करते और हमारी सोच विश्वास करने देती नहीं। हम अगर सोच अच्छी रखेंगे ना कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि अगर उसे करना भी होगा ना तभी वो ये काम नहीं करेगा। वो ये सोचेगा थोड़ी तो उसको हमारी परवाह होगी ना, थोड़ी सी तो परवाह होगी। अगर नहीं होगी तो आगे मालिक जाने, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है हमारी सोच एक दूसरे के लिए अच्छी होनी चाहिए, आगे तो बाबा सब संभाल लेते हैं। क्योंकि प्यार करना कोई किसी की ज़रूरत पूरी करना नहीं होता, प्यार एक दूसरे के सुख दुख में किया जाता है। एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने, उसकी भावनाओं को समझना ही तो प्यार है। और क्या होता है प्यार? और पाप पुण्य, जो लोग पाप पुण्य से डरते हैं, बस इतना समझ लो कि किसी भी काम में अगर किसी का मन दुख जाए ना आपकी वजह से, वो सबसे बड़ा पाप है। और किसी काम में किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए आपके नाम से, वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य के काम करो और कुछ करने की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। बस मालिक से इतना कहा करो कि तेरी रजा को समझ पाऊँ, ये हुनर मुझ में नहीं है मेरे मालिक। जिंदगी को आजमाने के बाद बस इतना सा जाना है कि तूने जो किया मेरे भले के लिए किया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच इतना अच्छा जिंदगी देने के लिए, इतनी अच्छी परिवार देने के लिए, इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए मेरे बाबा। थैंक यू सो मच देवा। ओम साई राम, जय साई राम। साई शुभरात्रि। बाबा का शुक्राना करके सो जाइए, आने वाला दिन बहुत खूबसूरत होगा। साई राम।